ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 11वें अध्याय का 46वां श्लोक भगवान सद्गुरु की कृपा से ले रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुं अहं तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। और हे विष्णु अहम यानी मैं तथा यानी वैसे ही एव यानी ही त्वम यानी आपको क्रीटनिम यानी मुकुट धारण किए हुए गदनिम यानी गदा और चक्र हाथ में लिए हुए द्रष्टुम यानी देखना मिच्छामि यानी चाहता हूं हे विश्वमूर्तये विश्वस्वरूप सहस्त्र बाहों वाले सहस्त्रों हाथ वाले तेन यानी उसी चतुर्भुजे ने चतुर्भुजी रूप में प्रकट भव यानी प्रकट होइए। इसका ये मीनिंग है अशब्दार्थ है। अब इसका जो कुल अर्थ है शाब्दिक अर्थ वो ऐसा है कि मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए चक्र शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ हे विश्वमूर्ते सहस्रबाहो उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई है। ये भगवान नारायण का स्वरूप है जो जगत के समस्त नरों के अयन है जो समस्त जगत की आत्मा है जिनके होने से जगत है जगत के होने से वो नहीं है। इसलिए क्यों ना इस अवसर पर थोड़ा सा भगवान का स्मरण भी कर लिया जाए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा श्रीमन्नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा
राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भज बाल मुकुंदा। और वे ही काटेंगे जम के फंदरे भज मन राधे गोविंदा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण परम दयालु रे, श्रीमन नारायण परम दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। ये जो श्लोक है बहुत प्यारा श्लोक है, आपने कभी सुना होगा। माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा तू तो वो वाली ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि बस वो साड़ी पहन ले, वो बहुत अच्छी लगती है तुझे। पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वो वाली शर्ट आपकी बहुत अच्छी, उससे उसमें आप बहुत अच्छे लगते हो। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु दीन बंधु, हे दयालु दीनों के नाथ, आप तो हमको चतुर्भुज रूप में ही बहुत अच्छे लगते हो। भगवान का चतुर्भुज रूप कैसा है उसका कोई अर्थ इस संसार में जानता नहीं। लोगों ने ऐसा सोचा है कि उनके चार हाथ होंगे, नहीं, भगवान के चार हाथ नहीं है। चार हाथ कहे जाते हैं क्योंकि चार दिशाएं हैं मुख्य। भगवान के बारे में ऐसा कहते हैं, मेरा प्रभु है हजार हाथ वाला, मेरा प्रभु है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला प्रभु है हजार हाथ वाला। भगवान के हजारों हाथ हैं, वो भक्तों की रक्षा करते हैं हजारों हाथों से। कोई हाथ उन्हें भक्तों को भोजन कराता है, कोई हाथ उनके भक्तों को वस्त्र देता है, कोई हाथ उनको सहारा देता है, कोई हाथ उनके सिर पे हाथ रखता है, कोई हाथ अपने भक्तों के कंधों पर हाथ रखता है, कोई हाथ उन्हें गले लगाता है, लगाते हैं, कोई हाथ हृदय से लगा के प्रेम देता है। भगवान के हजारों हजारों हाथ हैं, क्योंकि भगवान से ज्यादा प्रेम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि सारे जगत में बस वो ही भरे हैं। उनके अलावा संसार में जो भी कुछ है सब मुर्दा है, उनके अलावा संसार में जो भी कुछ है सब पदार्थ है, उनके अलावा इस जगत में सब कुछ कंकड़ पत्थर है, केवल वो ही जीवित सदगुरु परमात्मा है। अर्जुन बहुत बुद्धिमान और बहुत प्रज्ञावान था, वो कोई अवसर नहीं छोड़ता था, कोई मौका नहीं छोड़ता था। अर्जुन तो भैया क्या बताएं, पूरा जैसे ग्वाला गाय का पूरा दोहन कर लेता है, एक एक बूंद दूध निकाल लेता है गाय के थन से, ऐसे अर्जुन ने भगवान के प्रेम में एक एक ज्ञान की चीज निकाल के इस संसार के सामने रख दी। हमें अर्जुन का कृतज्ञ होना चाहिए, हमें अर्जुन का एहसान मंद होना चाहिए, हमें अर्जुन को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भगवान के ज्ञान का संपूर्ण पहलू गीता के रूप में आपके सामने लाके रखवाया है। अर्जुन ने भगवान का कृष्ण का विराट रूप देखा सच्चिदानंद का, और वो विराट रूप देखा खुद संजय को दिखवाया, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को कहलवाया, और फिर इस गीता का किसी ने लेखन भी किया। यहाँ एक बात बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही रेखांकित करने वाली है कि धृतराष्ट्र ने गीता सुनी लेकिन उसका निर्वाण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ।
उसका मोक्ष श्रीमद् भागवत कहती है कि कब हुआ, जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद वो हिमालय गए और हिमालय जाने के बाद किसी संत के आश्रम में रह के और धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों ने वहां ध्यान किया लंबे समय तक, तब उनका मोक्ष हुआ। तो अर्जुन ने जो देव दुर्लभ, जो देवता नहीं देख सकते, ऐसा विराट स्वरूप भगवान का देखा, ऐसा विराट स्वरूप भगवान का देखा। और उसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा रेखा चित्र जरूर गीता के श्लोक के अर्थों में बन गया। साथ भी अर्जुन कितना था, अर्जुन इतना होशियार था कि उसने भगवान का भक्त वत्सल चतुर्भुज रूप भी देखा। अर्जुन धन्य है, धन्य है अर्जुन, धन्य है जो रूप ध्रुव ने, प्रहलाद ने, नारद ने, श्रेष्ठतम भक्तों ने देख पाया वो अर्जुन ने देखा। अत्यंत भगवान के अत्यंत श्रेष्ठ जो भक्त और पार्षद हैं वही इस रूप को देख सकते हैं, किसी की ताकत नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर बहुत ज्यादा होती है वही इस रूप को देख सकता है। ये भक्तों की लंबी तपस्या, लंबा प्रेम, लंबी पुकार, लंबा संबंध, जन्म जन्म से भगवान को जो पुकारता है उसको भी ये रूप देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये रूप देखने को, कि भगवान की कृपा हो तो देखने को मिले। और भगवान की कृपा कब होती है, जब भगवान सदगुरु के रूप में उसके जीवन में पधार। हम तो आभारी हैं सतगुरु के रे, जिनने दिया प्रेम करके हमको निहोरे। हम सतगुरु भगवान के आभारी हैं, हम सतगुरु भगवान के रोए रोए से एहसान बन रहे हैं, क्योंकि सतगुरु भगवान ने हमको प्रेम प्रेम में ज्ञान कराया, हमको ज्ञान करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आई। लेकिन भले ही ऐसा शास्त्रों में लिखा हो, परंतु ज्ञान की दृष्टि से भगवान का यह रूप कुछ अलग है। भगवान मुकुट पहने हैं, हाथ में उनके कौमुदी गदा है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में भगवान के शंख है, एक हाथ में भगवान के पुष्प है, ये रूपक है। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। भगवान के एक हाथ में कौमुदी गदा है, वो गदा आपने कभी भगवान को हनुमान जी की तरह कंधे पर रखे हुए नहीं देखी होगी, वो गदा हमेशा नीचे टिकाए रहते हैं। उसका एक अर्थ है कि उस गदा के नीचे टिकाए रहने मात्र से ब्रह्मांडों का संतुलन बना हुआ है। उसका एक अर्थ है कि उस गदा की जो नोक है नीचे वाली, वो नोक अपने आप में इतनी ज्यादा ताकतवर है कि संसार के समस्त नियामक और समस्त परिभ्रमणात्मक और समस्त चेतनात्मक परा और अपरा प्रकृतियों का नियंत्रण उस कौमुदी गदा की नोक मात्र से होता। और वो कौमुदी गदा क्या है, वो तुम्हारे सदगुरु का एक छोटा सा तुम्हारे जीवन में इशारा, तुम्हारे जीवन को बदल देता है। ग मीन्स ज्ञान, द मीन्स दिया,
ग का मतलब है ज्ञान देना और द यानी दे देना। वो ज्ञान का रूपांतरण करने का एक प्रतीक है और एक शक्ति का प्रगटीकरण है कि भगवान की कौमुदी गदा देखकर अच्छे अच्छे मधु केटव जैसे राक्षस मारे जाते। पूरे महाभारत युद्ध में भगवान ने अपनी गदा कभी उठाई नहीं है, जहां देखो वहां सुदर्शन चक्र से काम चला दिया। भगवान की गदा का उठ जाना इसका मतलब ये समझना कि जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि जो प्रभु का अनुशासन पाऊं तो कंदुक इव ब्रह्मांड उड़ाऊं। पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, वो ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। सूर्य मंगल राहु के जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह और सूर्य समेत, वो गेंद के समान लक्ष्मण जी कहते कि मैं उड़ा सकता हूं। अब आप सोच सकते कि जो लक्ष्मण जी हैं शेषनाग का अवतार थे, वो अगर कंदुक इव ब्रह्मांड उड़ा सकते हैं तो भगवान की कौमुदी गदा की तो मेरी तो ताकत नहीं है कि उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करके बता दूं। मेरी तो क्या इस ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि वो गदा नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन करने वाली वो शक्ति है जिसके एक तरफ भगवान उसको पकड़े हुए हैं और नीचे जाके वो विस्तार हो जाता है उसका। ये तो कभी आप लोग ध्यान करके और सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के परमात्मा का साक्षात कर सके इस जन्म में कई जन्म में, तो आप खुद ही पूछ लेना उसे, क्योंकि भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। अगर भगवान सगुण ना होते तो राम और कृष्ण के अवतार में नहीं आ सकते थे, और भगवान निर्गुण नहीं होते तो इस जगत के लोगों में जीवन नहीं होता। भगवान निर्गुण नहीं होते तो सारे संसार की चेतना नहीं चल सकती थी। इसलिए ये गदा हुई। और अब बात करते हैं भगवान का जो मुकुट है वो क्या है। देखिए भगवान का जो मुकुट है वो असल में वह ब्रह्म का ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए भगवान सदैव जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, कि वो भगवान का मुकुट है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पगड़ी की, अपने मुकुट की, अपने सिर की रक्षा करता है, ऐसे भगवान जो है वो ज्ञान, जो लोग भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं और जो लोग भगवान के ज्ञान में जीते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये बात इस मुकुट से के प्रतीक से बाहर आती है। भगवान का चक्र क्या है? ये पूरा सृष्टि और आकाश गंगा है जो चल रही है, वो भगवान के सुदर्शन चक्र के अंतर्गत आती है। अब इसका नाम सुदर्शन क्यों है? सु यानी अच्छी तरह से, दर्शन यानी देख लेना। जो अच्छी तरह से परमात्मा का दर्शन कर लेता है, यानी अपने आत्मा को अच्छी तरह से जो जान लेता है, वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है, यानी वह सुदर्शन चक्र भी उसको नहीं काट सकता, वो अकाट्य हो जाता है, अभेद हो जाता है, अक्षेद हो जाता है, वो अच्युत हो जाता है, वो परमात्मा के समान ही होकर परमात्मा ही हो जाता है। ऐसा सुदर्शन चक्र का ये गहरा अर्थ है। ये सुदर्शन चक्र वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा का ईमानदारी और सच्चाई से ध्यान करना है तो ये सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा, आपको जन्म मरण से मुक्त होने में मदद करेगा। अब भगवान का शंख क्या है? भगवान का शंख है उपनिषद और वेदांत। भगवान जब, जैसे अपन बोलते हैं शिवो हम सो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो ये सब भगवान के शंख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। और भगवान जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था,
एक आवाज हुई थी, असल में बिग बैंग कुछ नहीं है, वो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा की शंख ध्वनि है। लेकिन लोगों ने क्या करा कि वो भगवान का आंतरिक शंख ध्वनि जो है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अंदर से एक उद्घाटन होता है, अंदर से एक उद्घोषणा होती है, अंदर से एक स्वयं संवेद्य, एक गौरवशाली, एक सत्य का उद्घाटन होता है, वो शंख है। लेकिन हमारे यहां गलती से बस वो बाहर का शंख ले और फूं फूं बजा रहे उसको, वो शंख नहीं, शंख ही है। सब समस्त शंकाओं का नाश होकर एक ब्रह्म का प्रकट होना, ये शंख है। और पद्म क्या है, पुष्प क्या है, भगवान के हाथ में जो पद्म है वो वास्तव में भगवान की कृपा, उनकी करुणा, उनके द्वारा मनुष्य को या जीव को दी जाने वाली समस्त प्रकार की सुख समृद्धि, आयु, स्वास्थ्य, मंगल, सभी प्रकार की जो सहूलियत जो है वो उस पद्म में निरूपित है, उस पद्म के द्वारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। आपने सुना होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, शंख, दस शंख, पदम, दस पदम। पदम एक संख्या होती है, पदम 18 यूथप बंदर रामायण में आया है। पदम असल में वो निधि है, उसमें सब कुछ आता है, नौ निधि आती है, अष्ट सिद्धि आती है, भगवान की कृपा आती है, भगवान के अनंत अनंत आकाश गंगाओं में जहां जहां भगवान के भक्त हैं, उन सब को वहीं से उसी पद्म से वो सारा माल बांटा जाता है, वो सारी चीज उनको प्राप्त होती है। देखो भगवान के बारे में कहा गया है, भगवान विश्व का भरण पोषण करते हैं, तो ऐसा भोजन ही नहीं, सब प्रकार के जीवन की जो आवश्यकताएं आपको मिल रही हैं। जब आपका जन्म हुआ था तो माँ के स्तन में दूध किसने दिया, जब आपके खा पी के हड्डी किसने बढ़ाई, अब आप बूढ़े होके जब मरोगे तो नया शरीर कौन देगा। इसलिए ये सब भगवान की तरफ से आता है और वह भगवान के पद्म का प्रतीक है, पद्म शरीर भगवान का पद्म उसका प्रतीक है। इसलिए शंख प्रतीकात्मक शक्ति है जो जीवात्मा के संपूर्ण शंकाओं का निर्मूलन करती है, आंतरिक संपन्नता से भर देती है। पद्म के दो अर्थ हैं, एक बात तो इस बात का द्योतक है कि ज्ञानियों की सेवा यदि करोगे तो तुम अस्पताल में, कोर्ट कचेरी में तुमको धन खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्ञानियों की सेवा में थोड़ी बहुत सेवा करोगे तो 10 गुना पैसा तुम्हारा उसमें बच जाएगा। और दूसरा अर्थ यह है कि ज्ञानियों की सेवा में जो लगे हुए लोग हैं वो हमेशा कमल के समान प्रफुल्लित होते हैं, कमल के समान प्रसन्नता से भरे रहते हैं, कमल के समान उनका जीवन सुगंधित होता है, सुरभित होता है, सुवासित होता है। ज्ञान की दृष्टि से सदगुरु में पूरा का पूरा चतुर्भुज रूप दिखाई देता है, जो देखने वालों की क्षमता है, जिनके पास दृष्टि है वो देख सकते हैं, और जिनके पास दृष्टि नहीं है, अगर साक्षात भगवान भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तो तुम उनकी अवज्ञा, अवहेलना और उनका टल्ला मार के आगे निकल जाओगे। हाँ, ये गलत नहीं है, राम आए तो तुमने कौन सा तीर मारा, राम आए तो राम के समय तुम थे लेकिन तुमने राम का लाभ नहीं लिया, काम में लगे रहे। कृष्ण आए तो तुमने कृष्ण का लाभ नहीं लिया, गौतम आए, बुद्ध आए तो तुमने बुद्ध का लाभ नहीं लिया, महावीर आए तो तुमने महावीर का लाभ नहीं लिया, नानक आए तो तुमने नानक का लाभ नहीं लिया, खेमे में बटे रहे। जितने महापुरुष आए
उन महापुरुषों को तो तुमने करके उपेक्षा कर दी, उनकी उनका निरादर कर दिया। लेकिन अब तो समझ जाओ कम से कम, अब तो आंखें खोल लो, क्योंकि गीता के इन अर्थों से इतना ज्यादा तुमको प्रवाह मिल रहा है, इतनी ज्यादा तुमको प्रेरणा मिल रही है कि ये विश्व मूर्ते जो भगवान है, ये जो भगवान है जिनका सारा जगत अपनी खुद की मूर्ति है, सारे जगत में वो समाए हैं, सारे इंसानों में वही हैं, उन इंसानों में माया के कारण, उन मनुष्यों में माया के कारण जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के कारण वो राग में, द्वेष में, छल में, कपट में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों में जो अत्यंत तमोगुणी और रजोगुणी हैं, उनको अलग हटाकर जिनमें थोड़ी बहुत सतोगुणी होने के कारण सरलता, तरलता, प्रेम, संतों के प्रति आदर हो, ऐसे सतोगुण भी किसी काम के नहीं, जिनमें संतों के प्रति आदर और ज्ञान पाने की इच्छा नहीं, ऐसे तो सत्यगुणी बहुत मिल जाएंगे। आपको हर मठ मंदिर और हर प्रकार के आश्रम में एक दो चार दस बीस ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़े पवित्रता से जीते हैं, ईमानदारी सच्चाई से जीते हैं, लोभ लालच नहीं करते हैं, छल कपट नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अहंकार है, अरे हम तो सत्यगुणी हैं, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो भाई इतने साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो साहब इतने तीर्थ कर आए हैं, हम तो फलाने ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हम तो साहब फलाने महामंडलेश्वर हैं, हम तो साहब फलाने पीठाधीश्वर हैं, तो ये सब मिल जाएंगे। लेकिन परमात्मा की ओर जाने वाला जिज्ञासु इनमें भी नहीं मिलना, बहुत मुश्किल है कोई मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि उनके बड़े होना का अहंकार कैसे छोड़ सकते हैं, वो परमात्मा को छोड़ सकते हैं लेकिन महान मंडलेश्वरी गिरी नहीं छोड़ सकते, वो परमात्मा को छोड़ सकते हैं लेकिन अखाड़े का प्रमुख है वो नहीं छोड़ सकते, वो परमात्मा को छोड़ सकते हैं लेकिन अखाड़ा परिषद में है वो नहीं छोड़ सकते, वो परमात्मा को छोड़ सकते हैं लेकिन किसी बड़े जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो परमात्मा को छोड़ सकते हैं लेकिन लोग जो उनके लिए वाह वाह करके हार पहना रहे हैं, उनकी पालकियां उठा रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए उनसे तो तुम ही भाग्यशाली हो कि कम से कम तुमको भगवान ने ऐसे चक्कर में तो नहीं फंसाया, सामान्य व्यक्ति हो, प्राप्त कर लो आत्मज्ञान को और निकल चलो चुपचाप इस माया में से। शिवोहम शिवोहम।